सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे इस योग व स्वास्थ्य के प्रथम प्रत्येक दिन के प्रथम सुबह के लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम योग से कैसे स्वस्थ रहें इन बातों को जानते हैं। वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर के रूप में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो अभी पनप रहा है, दूसरे भी डेल्टा के नाम से, और तीसरे में भी अभी बहुत सारे लोग जो है 40 के करीब 3 दिन पहले तक मरीज हमारे भारत में थे और 190 पूरे विश्व में थे। अभी इसमें और वृद्धि हुई है और जैसे ये वृद्धि होती जा रही है ये देश और दुनिया के लिए बड़े जो है चिंता का विषय है। कोरोना की अभी दूसरी लहर के पेशेंट खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो वही बहुत सारे महाराष्ट्र में हो, चाहे अलग अलग कई राज्यों में हो, इनमें बढ़े जा रहे हैं लेकिन, और मृत्यु दर भी बहुत सारी है, लेकिन अभी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में और अजमेर में अच्छी स्थिति है, लेकिन हमें सावधान होने की आवश्यकता है। आप रोज 1 घंटा यदि अपने लिए नहीं निकालेंगे तो आपके शरीर में शक्तियां नहीं रह पाएंगी उतनी जितनी होनी चाहिए। तो जब पूरी शक्तियां रहेंगी ना शरीर में तो ही आप किसी वायरस से लड़ने की स्थिति में होंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम वही बताएंगे कि शरीर की शक्ति अलग अलग अभ्यासों से हम कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला मंत्र पाठ के साथ शुरू करते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्ते। तो यौगिक जॉगिंग से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। श्वास भरते और छोड़ते हुए अंगूठा अंदर मुट्ठियां बंद, ऐसे स्थिर दौड़, अपने एक जगह पर आपको दौड़ना। बुजुर्ग कमजोर ये लोग धीरे 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 करें, ज्यादा उम्र वाले धीरे धीरे, थोड़ा जवान लोग होंगे थोड़े कम उम्र होंगे इसको बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं लंबे श्वास के साथ। स्लो ऐसे पहला, उसके बाद है अभ्यास है। अभ्यासों को हम जब करेंगे गिनती से हम देखते रहेंगे कौन सा अभ्यास क्या कर रहा है, कौन सा अभ्यास कैसा कैसा। दूसरा अभ्यास श्वास पूरा भरे, हाथ ऊपर और दूसरा पैर पीछे, दाया हाथ आगे तो बायां पैर पीछे। इसको भी आप गति पूर्वक कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना चाहिए, लंबे और गहरे श्वास। तीसरा अभ्यास यौगिक जॉगिंग का, श्वास बाहर और घुटनों पर। तेज भी कर सकते हैं। बूढ़े बीमार कमजोर किसी भी अभ्यास को तेज ना करें, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करें, अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें।
तीन के बाद पैरों में फासला और विश्राम, शरीर ढीला छोड़ दें। लंबे लंबे श्वास भर। चौथा अभ्यास, पैरों को समानांतर 4 इंच का फासला, श्वास भरें और हाथों को सामने, घुटनों के बल झुके, एड़ियों को ऊपर, पंजों के बल। चौथा अभ्यास, इसको ऐसे भी किया जाता है। इसमें एड़ियां नहीं उठती। प्रसन्नता के साथ लंबे लंबे श्वास। मां मांग रही है मां बलिदान, जागो जागो सोने वालों, धन यश वैभव खोने वालों, करो राष्ट्र का गौरव गान, मां मांग रही है मां बलिदान। श्वास भरते हुए एक तरफ ऐसे झुकते हैं, कोशिश करें धीरे धीरे ऐसे बैठने, फिर उठने की, फिर श्वास भरते, फिर दूसरी ओर ऐसे जाए, ऐसे बैठे, फिर उठे। छठा अभ्यास, ये पांचवा अभ्यास, छठा अभ्यास, श्वास पूरा भर के, ये पूरे शरीर से आपको मजबूत बनाने वाला है। जो भी यौगिक जॉगिंग के बाद अभ्यास है, पूरे शरीर से मजबूत बनाएंगे, लंग्स को भी मजबूत बनाएंगे, श्वास पूरा भर के। आज आपको विशेष प्राणायाम बताया है कुछ, श्वास भर के जाए, श्वास छोड़ करके वापस। हमारे सभी लाइव दर्शकों का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्वास भर के, फिर श्वास छोड़ वापस, फिर श्वास भरे, श्वास छोड़े वापस। कल रविवार का विशेष सत्र होगा हमारा, जैसे प्रत्येक रविवार को होता है। विशेष सत्र में राजस्थान के लेवल पर जीते हुए विजेता, जो योगासन की प्रतियोगिताओं में स्टेट लेवल पर जा चुके हैं, ऐसे कुछ विद्यार्थियों को हम आपके सामने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आप सबको योग की बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, कैसे बैलेंस उन्होंने बना करके अपने सब जगह अपने हुनर का, अपने योग के प्रतिभा का परचम फहराया। ये 6 अभ्यास के बाद, ये 6ठा अभ्यास था, 6 के बाद 7वां, श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा भर के, श्वास छोड़ के वापस। तो कल के कार्यक्रम में हम जाएंगे, मिलेंगे राजस्थान के योगासन प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों से, और अनुसन भी देखेंगे हम कितने बढ़िया योगासन लगाते हैं, क्या बैलेंस है उनका, कितनी प्रैक्टिस गजब की है। आठवां अभ्यास, श्वास भरे हाथ ऊपर, श्वास बाहर हाथ दूसरी ओर ऐसे जाते, कोणासन, त्रिकोण आसन करेंगे, श्वास पूरा बाहर। सभी करेंगे हमारे साथ जितने भी लाइव है, कुछ तो केवल देखते रहते हैं, देखिए नहीं करें, अवसर है। जागो जागो सोने वालों, धन यश वैभव खोने वाल, करो राष्ट्र का गौरव गान, मांग रही है मां बलिदान, माँ मांग रही है माँ बल। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया। 9वां अभ्यास, त्रिकोणासन, श्वास बाहर,
लीला अमृत गया, आलसी सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा। दसवां अभ्यास हस्तोत्तानासन पादहस्तासन, दसवां अभ्यास करें। श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर और आगे की ओर ऐसे। ग्यारह श्वास भरते छोड़ते कुर्दन ताल, लंबे लंबे श्वास के साथ चले। बारह यौगिक डांस, लंबे लंबे श्वास, पैर एक तरफ हाथ दोनों दूसरी तरफ, और अंत में सूर्य नमस्कार, और फिर बैठ के और लेट के। चलिए अंतिम अभ्यास, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इतना आपने कर लिया तो आपका शरीर कंट्रोल में भी हो जाएगा और शक्ति भी बढ़ जाएगी। अब हम बैठने वाले अभ्यास कर रहे हैं, तो बैठने वाले अभ्यासों को करने के लिए पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं अपने स्थान पर आसन में, और रिलैक्सेशन में ऐसे पैरों को खोल कर आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला, गर्दन कंधे पीछे ढीले छोड़ देंगे, और लंबा लंबा श्वास भरेंगे, और मन में प्रसन्नता की स्थिति हो। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर पश्चिम उत्तानासन, श्वास बाहर और आगे की ओर ऐसे लगा देंगे। ये पश्चिम उत्तानासन है, ये हमारा फोरहेड लगेगा घुटनों पर, यानी कि माथा लग जाएगा घुटनों पर, श्वास पूरा बाहर, पेट खाली और कोहनी जमीन पर। चलिए फिर से करते हैं, श्वास पूरा भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर हाथ नीचे, ऐसे अंगूठों को पकड़ लेंगे, पूरा श्वास बाहर और ऐसे लगा दें, घुटने मुड़ेंगे नहीं। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। इसको फिर से एक बार करते हैं, श्वास फिर से भरे, श्वास फिर से बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए हाथों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाए, ऐसे जैसे लेकर गए थे वैसे ही हाथों को ऐसे वापस लाते। ये पश्चिम उत्तान आसन है। पश्चिम उत्तान आसन के बाद हमें बैठ करके करने वाले आसनों में
जो सबसे आवश्यक आसन है हमें वायरस से बचाता है जो, वो कौन सा आसन है? वो है हमारा मेटाबॉलिक अच्छा रेट अच्छी करने वाला, फिर हमारे लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा बनाने वाला, जिसमें हम कर रहे हैं, जिसका नाम उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन, तो उष्ट्रासन को करने के लिए श्वास पूरा बाहर पहले, फिर पूरा श्वास भर लेंगे और एक तरफ ऐसे लगा देंगे और दूसरी तरफ ऐसे एड़ी पर लग जाएगा। श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाए, फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अब श्वास पूरा भर लेंगे, अब हाथ को एड़ी पर लगा लेंगे और दूसरे को भी इसी प्रकार से। श्वास बाहर वापस, इसका उपासन करेंगे, पूरक आसन काउंटर पोज। वो कैसे होगा? बैठ करके इस आसन के बाद आवश्यक रूप से एक आसन करना है, उसका नाम है शशक आसन। तो शशक आसन करने के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ गए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास पूरा बाहर, हाथों को ऐसे ज़मीन पर लगा दें और माथा ज़मीन पर, कहानियाँ आकाश में ऐसे ऊपर ही रहेंगी। लंबे लंबे श्वास भर रहे हैं, छोड़ दें। और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए, श्वास छोड़ते हुए साइड। फिर से एक बार कर रहे हैं, श्वास को अब दोनों घुटनों में फासला बनाए, श्वास बाहर और धीरे धीरे आगे तक ले जाए और वहीं रोक दें, कौनिया जमीन से लगा दें। श्वास से सामान्य इतना व्यक्ति कर ले, ये लंग्स के लिए हमारे बहुत गजब की दोनों क्रियाएं हैं, उष्ट्रासन और शशक आसन। उष्ट्रासन शशक आसन के बाद हम चलेंगे पेट की तरफ, मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए, उसका नाम है हमारी मंडूकासन की क्रिया। मंडूकासन, मंडूक आसन यानी कि मेंढक की आकृति से मिलता जुलता आसन है, मिलती जुलती स्थिति, बहुत सुंदर मंडूकासन, बहुत सुंदर आसन, बहुत अच्छा और लाभकारी आसन होता है। दोनों अंगूठियों ऐसे अंगूठों को ऐसे मुट्ठियों के अंदर बंद कर लेंगे और मुट्ठियों के इस अंगूठे वाले भाग को ऐसे हम जोड़ लेते हैं और दोनों नाभि के दोनों तरफ, श्वास पूरा बाहर, नाभि के दोनों तरफ इसको लगा दिया और पेट को अंदर दबाएंगे, ऐसे पेट अंदर पिचका देंगे श्वास बाहर करके, ऐसे फिट करने के बाद ऐसे लगा देंगे और आगे झुक जाएंगे। एड़ियां नितंबों को छूती हुई हो, और लगातार मुट्ठियों से पेट को दबाते रहें। श्वास बाहर है, बाह्य कुंभक लगा हुआ है। मंडूकासन ये हमारे पेनक्रियास को तो बहुत अच्छा बनाता ही है, साथ में आंतों को शक्ति देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को एनर्जी, दोनों को एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। श्वास पूरा भरें, भरते भरते वापस आ जाएं। एक बार फिर कर रहे हैं, श्वास पूरा बाहर और आगे की ओर झुकें,
थोड़ी देर वहीं रुकें, एड़ियां नितंबों को छूनी चाहिए ऐसे हम उठ ना जाएं। कई बार ऐसे उठ जाते हैं लोग, एड़ियां नितंबों को छू जाएं। थोड़े दिन अभ्यास करने से ऐसी स्थिति बनने लगेगी। श्वास बाहर ही रोक कर रखें, फिर थोड़ी देर रोकें आधा एक मिनट, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ये बैठने वाले अभ्यास हमें करने ही चाहिए रोज। अब हम करेंगे लेटने वाले कुछ अभ्यास। लेटने वाले कौन से अभ्यास हैं? फिर प्राणायाम। लेटने वाले अभ्यासों को करने के लिए ऐसे बाईं करवट ऐसे ज़मीन पर किसी दरी आदि पर ऐसे लेट जाएं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं बहुत आवश्यक आसनों में है, बहुत आवश्यक जिसको हम कहते हैं उत्तान पाद आसन, श्वास पूरा भर के इसको पैरों को हमेशा ऊपर उठाते हैं और 30 से 45 डिग्री तक रोक कर लेते हैं। उत्तान पाद आसन के लिए हथेलियाँ जमीन पर बिल्कुल सटी हुई, कमर से थोड़ी हल्की सी दूरी पर नहीं हो, बिल्कुल पास में ही हो। श्वास पूरा भरें, अंदर रोकें अंतर कुंभक के साथ और पैरों को ऊपर उठा लें। श्वास भरते हुए उठाया था और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे छोड़ देंगे। फिर से एक बार फिर कर रहे हैं, श्वास पूरा भरें और पैरों को ऊपर उठाएं, वहीं रोकें, काफ़ी देर रोकने का प्रयास करें, मन को टिका के रखें पेट पर। जूम कर दो ना, श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स विश्राम, एक पाद अर्धहलासन, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते वापस। एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके पेट के अंदर वो सबको मजबूत बनाएगा। एक पाद अर्धहलासन, बिना घुटने को मोड़े आप कोशिश करें कि ऊपर आ जाए, ये हो जाए। और उसके बाद इसको दोनों पैरों से कर लें, श्वास भर के ऊपर रोकें, श्वास छोड़ करके वापस आ जाएं। तीन तीन बार, जिनके पेट की कोई सर्जरी नहीं हुई हो वे लोग ही इसका अभ्यास कीजिएगा। साल दो साल तीन साल हो गए हों पेट की सर्जरी को, वे लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते, ज़्यादा ना रोकें। गर्भावस्था के और मासिक धर्म के दौरान बिल्कुल इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये सारे पेट को प्रभावित करने वाले आसन हैं, तो उन दिनों में बिल्कुल इससे बचना चाहिए। कंधलासन का अभ्यास कर रहे हैं, श्वास पूरा भरें, ऐसे ऊपर उठा लें, कौनिया जमीन से, इसी में सेतु बंद आसन। इस सब हमें वायरस से बचाने के लिए शरीर तैयार कर रही है, क्योंकि सब में लंग्स हमारे अच्छे बन रहे हैं, सब में नर्वस सिस्टम अच्छा बन रहा है, पेशीय संस्थान अच्छा बन रहा है, मांसपेशियों का संस्थान, मस्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा बन रहा है। ये सब इतने गजब के हैं अभ्यास कि इनका रोज़ अभ्यास किया जाए। ऐसे आसन हैं जोरदार वाले कि इनका रोज़ अभ्यास किया जाए, शरीर फौलादी बन जाएगा, कोई वायरस आपको परेशान नहीं कर सकता क्योंकि आपका शरीर तैयार है। फिर एक पाद वृत्तासन ऐसे करें,
लंबे लंबे श्वास के साथ दायां पैर उठा करके बड़े शून्य के आकार में घुमाएं। हाथों को जमीन पर थोड़ा सा दूरी पर कमर से रखें और इसको गोल गोल ऐसे घुमाएं। आपका जितना सामर्थ्य हो, आपको 50 से 100 बार का सामर्थ्य है तो 50 से 100 बार का सामर्थ्य उतना पूरा प्रयोग करें। लाइपोसक्शन कभी नहीं कराना पड़ेगा। थाई बटक्स जितने भी शेप में नहीं है वे शेप में आने लगेंगे। कोई इम्प्लांटेशन नहीं कराना पड़ेगा, कोई लाइपोसक्शन नहीं कराना पड़ेगा। वो सब खतरनाक है, कैंसर कारक है, कार्सिनोजेनिक है। किसी में सिलिकॉन लगा दिया जाता है, किसी में हमारे पेट की चर्बी को गर्मी में पिघला दिया जाता है, किसी में थाई बटक्स को बैलेंस शेप में लाने के लिए बहुत आर्टिफिशियल तरीके हैं, मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके हैं भाई। इनका प्रयोग ना ही करें, आप योग करें, शरीर सौष्ठव वापस शरीर का आकार लौट आएगा। रुकना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अंतिम अभ्यास के रूप में हम द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। कमर के पास हथेलियां जमीन से, श्वास भरते छोड़ते हुए। अब जिनके गैस की, कब्ज की, मोटापे की, पेट की जो टमी बाहर आ रखी हुई, उन सब के लिए ये बड़ी गजब की क्रिया है। बहुत ज़ोरदार, मोस्ट इफ़ेक्टिव सारी प्रैक्टिसेस है जो मैं खड़े होने इसके साथ बता रहा हूँ, फिर बैठे बैठे और फिर लेटे लेटे बताएं। ये सब चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। इतना करने के बाद आपको शव आसन में लेटना है। शव आसन का मतलब शरीर को ढीला छोड़ करके, और आप चाहें तो थोड़ा इसका काउंटर पोज के रूप में पेट के बल वाले भी एक दो अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे भुजंग आसन आदि। श्वास भर के ऊपर रोके, ऊपर उठाएं, ऊपर रोके, फिर श्वास छोड़ते वापस आ जाए, फिर श्वास भरे ऊपर रोके। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। फूड क्रेविंग को ख़त्म करता है कपालभाति। जो मोटे लोग हैं इनको बार बार भूख लगती है, बार बार भूख लगने के कारण बार बार खाते हैं और फिर वजन बढ़ा देते हैं। श्वास पूरा भरें, बार बार खाएं, लेकिन सलाद और फलों को खाएं। ऐसे कपाल भाती भुजंग आसन में हमने की, फिर बाल आसन में ऐसे आराम से लेट गए। जिनको बालों की समस्या है, चेहरे पर पिंपल्स की समस्या है, जिन बच्चों को हाइट नहीं बढ़ रही है, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, ये 5 समस्याएं जिनको हैं, वे लोग पीठ के बल आकर के सर्वांग आसन का अभ्यास अवश्य किया करें। ये सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड, श्वासें सामान्य, पंजों को ऊपर खींच कर रखें, दोनों अंगूठों के नाखूनों पर दृष्टि हमारी, हलासन, श्वास बाहर, ये आपको आसन ये करने चाहिए जो 5 समस्याएं बताई उनको। फिर थोड़ी देर शव आसन में आप आराम करें, पैरों को थोड़ा फासला 1 से 1.5 फीट के फासले पर रखें आपस में, दोनों हथेलियां कमर से थोड़ी सी दूरी पर, लंबे लंबे श्वास और आंखें बंद, पूरा शरीर शांत शिथिल,
कहीं से कोई चिंता तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में, आनंद देने वाली स्थिति। पहले थकान मिटाएं आप, शरीर को रिलैक्स करें, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के। कुछ लोग इतना सुंदर गाते हैं लेकिन अंदर ईर्ष्या भाव अपमान ऐसा भरा हुआ है कि बस सामने कोई आए और उसको मार दे। ऐसे लोग क्या परमात्मा की भक्ति करेंगे, क्या मनुष्य जन्म को सफल बनाएंगे। इसीलिए योग में आते हैं तो हमें हर दिन अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसे लोगों के उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं संसार में, पूरे संसार में भरे हुए, कि बाहर से तो परमात्मा के ईश्वर के भक्त बनते हैं, बाहर से तो बहुत अच्छा गाते अच्छा बोलते हैं और अच्छा रहते भी हैं, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं, लेकिन अंदर दुराचरण भरा हुआ है, अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत हिंसा सब भरा हुआ है। तो ऐसे लोग कभी योग में उन्नति नहीं कर सकते। यदि योग में उन्नति करनी है तो सर्वप्रथम मन को पवित्र करना पड़ेगा। इसीलिए भजन भी कहा, योगी बनो पवित्र बनो, पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो। उठ जाएंगे बाई करवट लेकर, पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जोगी जुग जुगत से करना ओ निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना ओ जोगी जुग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, जो ब्रह्म विहार विहर ना हो जोगी, जुग जुगत से करना, योगी बनो पवित्र बनो। ये सब पंक्तियाँ हमारे मन को पवित्र बनाने में मददगार हैं, सहायक हैं। फिर अभ्यंतर प्राणायाम, एक आपको प्राणायाम सिखा देते हैं, वो अभ्यंतर प्राणायाम 3 बार हम कर लेते हैं। ये अभी वर्तमान की इस तीसरी लहर में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। तो श्वास को ऐसे पूरा भर लेते हैं, देखो ऐसे अंदर गहरा भर लेते हैं। आपको मैं पूरी तरह से बैठा हुआ और श्वास भरता हुआ दिखाई दे रहा हूँ।
अधिकतम भरते चले जाएं, नहीं भरने में आ रहा टुकड़ों में भरे। और अंदर रोक देवें, और फिर दाएं नासिका को बंद करके लेफ्ट से बाएं से बाहर, एक बार अभ्यंतर प्राणायाम हो। महर्षि पतंजलि जी इस प्राणायाम का उपदेश योग दर्शन में करते हैं। ये साधना की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है, मन को पवित्र करने वाला है और मन के स्थिति को बहुत ऊंचा अच्छा बनाने वाला है। फिर से श्वास भरते हैं और लंग्स को तो मजबूत बनाएगा ही। और अंदर रोक देंगे, यथा सामर्थ्य रोकें और दाएं को बंद करके बाएं से लेफ्ट से बाहर। फिर से एक बार अंतिम बार और कर लेते हैं, श्वास पूरा भरे। श्वास को दूसरी नासिका से बाहर छोड़ देंगे। तो आज के सत्र को हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं, प्राणायाम और इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम कल फिर से लाइव सत्र में मिलेंगे। आप सभी योग के साधकों का, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद, अभिनंदन और हार्दिक आभार कि आप प्रत्येक दिन इस लाइव सत्र में जुड़ करके योग के इस कार्यक्रम को देखते और करते हैं। श्वास पूरा भर के ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सभी को।